स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है असेंबलिंग द टीम वे टू स्टार्ट मींस अब सारा कुछ डिसाइड हो गया एंगेजमेंट लेटर भी बन गया अप्रूवल हो गई ना हो, अब आप काम करने लगे हैं अच्छा अब यहां पे क्या हुआ एक जगह पे फ्रॉड हुआ अब फ्रॉड होने के बाद अब देखा जाए तो फोन आया कि जी फ्रॉड हो गया अब कंपनी ने यह डिसाइड करना है फ्रॉड आप इन्होंने इन्वेस्टिगेट किससे कराना है देखें आपके पास दो ही ऑप्शन हैं या तो आप कंपनी के इंटरनल जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनके थ्रू आप फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करवा लें या फिर आप आउटसाइडर को हाईलाइट कर लें अगर आप इंटरनली किसी से इन्वेस्टिगेट कराते हैं इंटरनली अगर आप किसी से इन्वेस्टिगेट करवाते हैं तो उसपे आपको यकीन कुछ तो फायदा होगा उन लोगों को कंपनी के लूप लूप होल्स का पता होगा वीक कंट्रोल्स के बारे में पता होगा और वीक कंट्रोल्स के साथ साथ उन्हें यह भी पता होगा कि उनका फ्रॉड किधर हो सकता है उनको क्रिटिकल एरियाज के बारे में काफी कुछ पता होगा जैसे कि आप ये देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ

लेकिन जरूरी नहीं है कि दे आर राइट पीपल टू इन्वेस्टिगेट द फ्रॉड वाई दे आर नॉट द राइट पीपल बिकॉज इनका लिंक इनका ताल्लुक जिसने फ्रॉड किया है उनके साथ हो सकता है हो सकता है इन लोगों का ताल्लुक बहुत क्लोज बहुत क्लोज रिलेशनशिप हो जिसने इन्वेस्टिगेट किया जिसने फ्रॉड किया हो तो ये लोग इंडिपेंडेंट होके इन्वेस्टिगेशन को लीड नहीं कर सकते हो सकता है ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंसी के साथ इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेट करें आ, उस फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करें और ट्रू तो दैट्स वाई दे आर नॉट द राइट पीपल टू इन्वेस्टिगेट सेकंड देखिएगा लाइन वन इशू डेट कैन राइज इज इंडिपेंडेंस सिर्फ मसला क्या इंडिपेंडेंसी का बिकॉज डज द फर्म है देखिएगा डॉम चाहे वो उनकी अपनी कोई ऑडिट फॉर्म कर रही है जो कि बहुत पुरानी कंपनी है जैसे फ्रॉड हुआ उनके अपनी इम्प्लॉयज कर रहे हैं या उनकी कोई ऑडिट फॉर्म है जो बहुत अरसे से ऑडिट कर रही है कोई भी है दोनों अगर उनके अपने इंटरनल लोग हैं तो देखिएगा थर्ड पैराग्राफ डज द फर्म हैव टू मच ऑफ अ पर्सनल कनेक्शन विद सम इम्प्लॉयज टू बी न्यूट्रल ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन सेकेंड पैराग्राफ माइड द फर्म टू बी टू क्लोज टू द सस्पेक्ट टू डू अन्वेस्टिगेशन मतलब वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हो सकता है उसके सुस्पेक्ट के बहुत ज्यादा क्लोज हो सो so, आप कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि ये जो फर्म है क्या फर्म की इतनी एबिलिटी होगी कि वो एक के साथ इतना खास ताल्लुक है और वो इंडिपेंडेंट इस इन्वेस्टिगेशन को लेके चले सो so, आपका इंटरनल इंप्लॉयी है इंटरनल ऑडिट फर्म है कोई जो आपका बहुत सारा ऑडिट कर रही है ऑडिट कर रही है तो हो सकता है वो आपका कर सके नहीं ज ए पॉसिबिलिटी दे आर नॉट दी राइट पीपल तो मैनेजमेंट को चाहिए कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट फर्म इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करे और उनको इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्लूड करे लेकिन जब भी उन्होंने आउटसाइड किसी रिसोर्स को रखना है किसी फर्म को हायर करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर फर्म को रखना है तो फर्म का एक्सपीरियंस देख लेना चाहिए जैसे कि सेकेंड पैराग्राफ में देखें

इवेलुएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके एक्सपीरियंस से ही आपकी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आएंगे सो स्मॉलर फार्म को भी चाहिए कि जिस क्लाइंट को अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए हो हाईली टेक्निकल हाईली हाईली एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड तो वो सिर्फ क्लाइंट लेने के लिए उस असाइनमेंट को ना ले लें जबकि उन्हें पता है कि वो इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं दे सकते तो ऑब्वियसली उनको बड़ा पॉजिटिवली कहना चाहिए कि ये स्टाफ नहीं है हमारे पास आप किसी और से सर्विसेज ले सकते हैं थर्ड पैराग्राफ देखिएगा इज नॉट फेयर टू टू द क्लाइंट हु डिजर्व हैव हाईली स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स एग्जामिनिंग एलिगेशन ऑफ फ्रॉड तो मैनेजमेंट शुड केयरफुली इवेल्यूएट द क्वालिफिकेशन एंड क्रीडेंशल ऑफ एनी फर्म एंगेज टू इन्वेस्टिगेट एन इंटरनल फ्रॉड जैसे कि मैंने आपको बताया सो so, उसके साथ साथ क्लाइंट को चाहिए कि उसकी क्रेडेंशियल्स एक्सपीरियंस को इवेल्यूएट किया उसके साथ साथ एक चीज और इवेल्युएट करे क्या उसके पास अगर इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने के बाद कोर्ट के अंदर इस इन्वेस्टिगेशन को ले जाके उधर फाइट करने का भी एक्सपीरियंस है कि नहीं है क्योंकि हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको ये कोर्ट में भी लेके जाना पड़े सो so, उसके क्रीडेंशियल्स एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो सेवरल कोर्ट केसेस जो है ऑलरेडी पहले टेस्टिफाई कर चुका हो पास्ट के अंदर सो so, क्लाइंट को क्या चाहिए इन शॉर्ट द क्लाइंट शुड हैव अ एग्जामिनर हु इज वेल वर्स्ड इन एक्सपर्ट विटनेस वर्क एक चीज एंड द सेकेंड वन इज सक्सेसफुली टेस्टिफाइड इन सेवरल कोर्ट केसेस इन द पास्ट उसके पास एक्सपीरियंस भी हो और उसके साथ साथ वो सेवरल कोर्ट केसेस में अपनी गवाहियां या पेश कर चुका हो केसेज फाइट कर चुका कर चुका हो केसेस कोर्ट के अंदर तो ये दोनों चीजें उसके अंदर होना जरूरी है तो ये था हमारा टॉपिक असेंबलिंग द टीम वे टू स्टार्ट